शमशेरा से बॉलीवुड के अच्छे दिन वापस आएंगे ये सोच के जितने लोग खुश हो रहे थे उनका हाल फिलहाल कुछ ऐसा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरे 4 साल बाद रणबीर को थिएटर्स में देखने का इंतजार ऐसे खत्म होगा ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि फिल्म को मिले रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं दे रहा। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान। शमशेरे का टीजर जब रिलीज हुआ था तो लोगों ने उसे KGF बाहुबली से कंपेयर करना शुरू कर दिया था और लगा था कि बस अब बॉलीवुड को कोई बचा सकता है तो वो शमशेरा ही होगी। पर अगर शमशेरा का ओपनिंग डे कलेक्शन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। शमशेरा का ओपनिंग डे कलेक्शन रहा 10.25 करोड़, जो कि बाकी किसी और फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो नॉट बैड। पर अगर यशराज बैनर की फिल्म हो और रणबीर कपूर जिसमें एक्टिंग कर रहे हो वो भी डबल रोल में और जिसका ऑलरेडी इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुका हो, उसका ओपनिंग डे कलेक्शन ऐसा हो तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो ही जाती है। अगर रीसेंट रिलीज बॉलीवुड फिल्म्स के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है भूल भुलैया 2 जिसने 14.11 करोड़ का कलेक्शन किया। नंबर 2 पर है बच्चन पांडे जिसने 13.25 करोड़ की कलेक्शन की। नंबर 3 पर है सम्राट पृथ्वीराज जिसने 10.70 करोड़ की कलेक्शन की। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है गंगूबाई काठियावाड़ी जिसने 10.50 करोड़ की कमाई की। और शमशेरा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जिसने 10.25 करोड़ का कलेक्शन किया। और दूसरे दिन भी शमशेरा का कलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन 10.50 करोड़ रहा। दैट मींस अभी तक शमशेरा का टोटल कलेक्शन सिर्फ 20.75 करोड़ ही हुआ है। बॉलीवुड की रीसेंट रिलीज हुई फिल्म्स में से सिर्फ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने ही अच्छा कलेक्शन किया है, वरना सम्राट पृथ्वीराज के हाल तो आपको पता ही है, लागत भी पूरी नहीं हुई थी भाई। वहीं अगर साउथ फिल्म्स की हिंदी डब के कलेक्शन की बात करें तो अकेले KGF 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन 53.95 करोड़ रहा और RRR का कलेक्शन 20.7 करोड़ रहा। ऐसे कैसे चलेगा यार। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तो शमशेरा को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी कंपेयर कर दिया और तो और हैशटैग अनबेरेबल तक का भी लिख दिया। रणबीर का 4 साल बाद वापस लौटना और वो भी कुछ नया ट्राई करना लोगों को खास पसंद नहीं आ रहा, जबकि जितने रिव्यूज मैंने देखे सभी ने रणबीर की एक्टिंग की तारीफ ही की है और संजय दत्त भी अपने रोल में खूब जम रहे हैं। पर फिर दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझ नहीं आ रहा। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपने शमशेरा देखी? और अगर देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट।